गुड मॉर्निंग गाइस, केम छो, वेलकम बैक टू बाइक रोमर्स। मैं हूँ तेज और आज की राइड है अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे, जो है टिकट का रन खारा घोड़ा। और वहाँ पे मतलब ऐसा है कि 30 किलोमीटर तक फ्लैट डेजर्ट है। तो चलिए आज की राइड में देखते हैं। तो अभी पहुँचते मीटअप पॉइंट पे, सब लोग वेट कर रहे होंगे मेरा। तो चलिए मिलता है। Sunny day and we have reached the meetup point Iskong Gathia and we are about to leave now. We have Mayank, Kalpesh, Malav and Tej with us, and it's all about today's ride Khara Ghoda. We'll let you know on the way. See you guys. इधर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पे है जो हमें जाना है वो लोकेशन। अभी 80 किलोमीटर के बाद हमारे लोकेशन डेस्टिनेशन आ जाएगा हमारा। और गाइस बताना कि हमारे गोप्रो में विज़न कैसा आ रहा है। बाय द वे, रोड अभी आगे जाके हाईवे मिलेगा तो रोड अच्छा ही होगा आगे जाके। Viram Gam and we took our first break over here. This is Hotel Sangat. We had some breakfast and we are planning again to move out. We have covered almost 50 kilometers from Ahmedabad and still 50 is pending. A few moments later. And guys, we have been traveling second time towards this direction. इससे पहले भी हमने 26 जनवरी को यहाँ पे राइड किया है, इफ़ यू हैव सीन आर वीडियो, टू द डेजर्ट टेंट रिसॉर्ट। बट टुडे वी आर मूविंग लिटिल, थोड़ा और आगे जाएंगे यहाँ से, एंड द प्लेस इज़ नोन एज खारा घोड़ा। खारा घोड़ा से थोड़ा और आगे आता है लिटिल रैन ऑफ कच, सो इफ़ यू गेट टाइम विल श्योर मूव आउट देयर। And guys, the area between Khara Ghoda and Little Rain of Kutch is also well known for zero connectivity. I have come across a strange fact, that is like they don't have schools. A Maruti van is rolling into these areas and teaching students by showing up them videos. And also sometimes they have connectivity and wireless connection in that van only. So sometimes remotely teachers and faculties are attending those children's. मेरे लेफ्ट साइड में जो टेंपल दिख रहे हैं वो है मिनी पोइचा, हूबहू पोइचा
का जो टेंपल है उसका कॉपी है। आप कभी भी पाटड़ी आओ तो इधर विजिट कर सकते हो। और अभी खाराघोड़ा 5 या 6 किलोमीटर बाकी रहा है, तो रास्ते में दूसरी बातें करते हैं। चलो you can see small white little mountains on my left side and guys it's a rock salt in the form of cubes and Kharagoda is also well known for its salt production. About 37% of production from Gujarat is only from Kharagoda. That's a good number of production. मैदान है पूरा, 5 किलोमीटर तक मुझे लगता है पूरा खुला मैदान है, कुछ भी नहीं आसपास, पूरा फ्लैट। इधर सब के सब कुछ नमक का है, सब कुछ सब कुछ। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये डेजर्ट फैला हुआ है। वहाँ दूर कोई सिटी या टावर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे कोई गाँव है। So we have reached Kharagoda and this is the place I have been talking about. There are some strange facts of this place. It's a dry land and going further, like थोड़ा आगे जाने पे तुमको एक little run of Kutch and that's a zero connect area. In that place there is no connectivity, nothing, electricity is less, there's lack of waters, and this place is also known for wild asses. Talking about the one you are thinking, I'm talking about the animals. So there are 500 plus wild asses. It's a home for them, and along with that there is a salt production. About 37% of Gujarat salt productivity is from this place. So it's a very rare and industrial type of land this is. सुबह गाइस तूफान आया इधर। पर्वत है वो देखने आए, क्या है इधर बस, इधर कुछ नहीं कुछ नहीं, पट 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 हो गया है हमारा। अरे मालो हमारा कह रहा है कि यहाँ पे सस्ती सी लेह लद्दाख की फीलिंग आ रही है। ये हम लोग इधर लंच करने के लिए आए होटल आशीर्वाद में, उसके बाद देखेंगे कि आगे का प्लान क्या है। देखते आगे का प्लान, अभी बहुत जोर सी भूख लगी है और डिहाइड्रेशन भी हो गए, पानी ही नहीं पिया है एक से। तो चलो खाने के बाद मिलते हैं। A little longer than a few minutes later.
थोड़ा खाना खाने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं रिसोर्ट, एक सुशांत भाई एक दोस्त है उनके वहाँ पे, देखते हैं रिसोर्ट में आगे। भाई इधर दो बड़े बड़े कुत्ते लोग आ गए हमको मतलब जांचने के लिए कि हमारे पास बॉम्ब बॉम्ब नहीं है ना। और आप गेट भी देख सकते हैं, मालिक के बिना ही हमको चेक करने के लिए आ गए। और इनका गेट बंद हो गया बाहर से। हाँ गेट खुला भाई, गेट खुला। दोनों फ्रेंडली डॉग थे पर लगते थे डेंजर। नाइस प्रॉपर्टी, by Kharagoda there is one village which is known as Bajana, and we stopped nearby this village. This is a resort named Royal Safari Camp or Royal Camp Safari, something like that. However, this is an amazing property. We stopped here just because one of my friend insists to stay and to get some rest over here. So thank you so much, Ashfaq, for getting this resort for no cost. And thank you so much for thank you so much to the Royal Safari Camp staff as well to be this much supportive. And guys, this is really a very nice place to hang out, and it's a very heritage touch place. So if you're traveling this side, I'm sure you would like or you would love to stay over this place. So guys, we became lollipop riders today. Lollipop riders. ताज़ा कर एकदम ताज़ा हो गई लॉलीपॉप रास्ते में दिखी हम सब ने लॉलीपॉप, ये सिगरेट्स नहीं है लॉलीपॉप ही। So we are about to leave this resort which is Royal Safari Camp, and it was really amazing experience over here. And it's now Ahmedabad is like around 85 kilometers from here. So we are planning to like not to taking any breaks, and we'll directly head to Ahmedabad. So it's time to close this video over here. I hope you like this video, so please don't forget to share, like and subscribe. See you soon. Chale milte hain next vlog mein, tab tak ke liye bye bye. Ha ha ha.